अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों का आंदोलन आज यानी 14 दिसंबर से और भी तेज होगा। नवंबर महीने के अंत में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हजारों किसान आज एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और देश भर में धरना प्रदर्शन देंगे। प्रदर्शनकारी किसान संघों के नेताओं ने कहा है कि वे सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और नए कृषि कानूनों की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। 14 तारीख को जहाँ स्टेज पर बैठ के 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। वहीं दिल्ली की ओर बढ़ रहा प्रदर्शनकारियों का विशाल समूह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, जिसे पुलिस ने हरियाणा राजस्थान सीमा पर रोक लिया है। उधर किसानों के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोमवार को दिन भर का उपवास रखेंगे। उन्होंने सोमवार को केंद्र सरकार से अहंकार छोड़कर और आंदोलनकारी किसानों की मांग के मुताबिक 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील की। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी समर्थकों और वॉलंटियर से अपील किया है कि वो आज एक दिन का उपवास रखें और किसानों का समर्थन करें। आपको बता दें कि सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर पिछले 18 दिन से चल रहे प्रदर्शनों में पंजाब और अन्य राज्यों से और किसानों का आना जारी है और आंदोलन का आज 19वां दिन है। इस बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार जल्द ही बैठक की नई तिथि तय करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार मुद्दे का हल निकल जाएगा। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने देर रात केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक के बाद चिल्ला की ओर जाने वाला नोएडा दिल्ली लिंक रोड खाली कर दिया है। लेकिन किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार के साथ सांठगांठ थी। चढ़ूनी ने कहा कि कुछ समूह प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे सरकार द्वारा पारित कानूनों के पक्ष में हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि वे हमसे नहीं जुड़े हैं, उनकी सरकार के साथ सांठगांठ है। उन्होंने हमारे आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा। सरकार किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए साजिश रच रही है। बात करते हैं कि क्या है किसानों की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि हमारी 4 मांगे हैं। पहला, 3 कृषि कानून रद्द किया जाए। दूसरा, MSP गारंटी कानून बनाया जाए। तीसरा, प्रस्तावित बिजली बिल रद्द किया जाए। और चौथा, पराली जलाने के मुद्दे पर किसानों का शोषण बंद किया जाए। एक ओर जहां किसान आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई केंद्रीय मंत्री बार बार आरोप लगा रहे हैं कि माओवादियों, वामपंथियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने किसानों के आंदोलन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि प्रदर्शनकारी किसान संघों के नेताओं ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। आंदोलन का समर्थन कर रहे विपक्षी दलों के नेताओं के बयान से भी सियासी पारा चढ़ गया है। राकबा ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रियों के दावों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा था कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी दलों पर नए कृषि कानूनों के बारे में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा था कि इन कानूनों से कुछ समय के लिए परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।